बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम लेसन 6 पोल्यूशन का सेकंड हाफ की रीडिंग करने वाले हैं। आज का टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज कास्ट बाय मेनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पोर्ड इन टू स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स। अभी आलूदगी घरेलू और सनती कूड़ा करकट की बहुत सी इकसाम की वजह से होती है, जो नदियों, दरियाओं और झीलों में फेंका जाता है। लेक्स, झीलें, डोमेस्टिक, घरेलू, इंडस्ट्रियल, सनती वेस्ट कूड़ा करकट पोर्ट फेंका जाता है, उंडेला जाता है या डाला जाता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये हैवानात और नबातात कि मुर्दा बाकियात पर मुश्तमिल हो सकता है, जो पानी में शामिल होकर ऑक्सीजन की मकदार को कम करके बैक्टीरिया की नशोनुमा करता है। रिमेन्स बाकियात, बाकी बच जाने वाले। डिजॉल्व शामिल होकर, हल होकर, रिड्यूस कम कर देता है अमाउंट, मकदार। द पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। गंदा पानी मछलियों और दूसरी आबी हयात के लिए नुकसान का बायस बनता है। सीवेज इज अनदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। निकासी आप पानी को जो हम निकाल कर फेंकते हैं दरियाओं में, इज अनदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। निकासी आप आलूदगी की एक और बड़ी वजह है। मैनी सिटीज स्टिल कंटिन्यू टू पोर देयर सीवेज डायरेक्टली इन टू रिवर्स। अब भी बहुत से शहरों से गंदा पानी बराह रास्त डायरेक्टली दरियाओं में फेंका जा रहा है। दिस कॉजेस कॉलरा, टाइफाइड एंड अदर डिजीजेस टू द पॉपुलेशन विच यूजेस दिस वाटर। यह हैजा, टाइफाइड और दूसरी बीमारियां पैदा करता है उस आबादी में जो ये पानी इस्तेमाल करती है। वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इफ द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट रिलीज्ड इन द फ्रेश वाटर sources and sewage if fully treated before releasing into river or lakes. अभी आलूदगी को रोका जा सकता है, prevent रोका जा सकता है, अगर हैवानात और नबातात के मुर्दा बाकियात को ताज़ा पानी में ना फेंका जाए और गंदे पानी को दरियाओं और झीलों में शामिल करने से पहले इसे मुकम्मल तौर पर साफ कर लिया जाए। रिलीजिंग छोड़ने से पहले वाटर सोर्सेज, फ्रेश वाटर सोर्सेज, ताज़ा पानी के रिसोर्सेज जो हैं रिलीज्ड ना डाला जाए, ना शामिल किया जाए, प्रिवेंटेड रोका जा सकता है। नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, सौती आलूदगी। नॉइस पोल्यूशन इज बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन द एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशंस। इस मशीनी इजादात के दौर में शोर की आलूदगी एक बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है। मैकेनिकल इन्वेंशंस, मशीनी इजादात। इट्स मेजर सोर्सेज आर वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, जेट एरोप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड लाउड स्पीकर्स। इसकी बड़ी वजूहात में वर्कशॉप, रेलगाड़ियाँ, गाड़ियाँ, जेट जहाज, ऊंची आवाज में बजते रेडियो और टेलीविजन की नशरियात और लाउड स्पीकर शामिल हैं। नॉइस प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। शोर हमारी जिस्मानी और दिमागी सेहत पर कई तरह के बुरे असरात मुरतब करता है, बुरे असरात छोड़ता है। इट डिस्टर्ब्स स्लीप एंड लीड्स टू मेनी नर्वस प्रॉब्लम्स। नींद को ख़राब करता है और बहुत से असाबी मसाइल का वजह बनता है, असाबी मसाइल की वजह बनता है। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द ईयर ड्रम एंड मे कॉज टेम्पोरेरी और परमानेंट डेफनेस। शोर का एकदम से फट पड़ना कान के पर्दे को शदीद नुकसान पहुंचाता है और आर्जी या मुस्तकिल बहरेपन की वजह बन सकता है। डेफनेस बहरापन, परमानेंट मुस्तकिल, टेम्पोरेरी आर्जी, ईयर ड्रम कान का पर्दा, एक्यूट शदीद। इन मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ नॉइस पोल्यूशन। जदीद सनती और
इलेक्ट्रॉनिक दौर में शोर की आलूदगी से छुटकारा पाना तकरीबन नामुमकिन है, गेट रिड छुटकारा पाना। However, there are ways and means to reduce the intensity of noise to a moderate level. तमाम शोर की आलूदगी की शिद्दत को मुनासिब हद तक कम करने के तरीके और ज़राए मौजूद हैं। Moderate level मुनासिब हद तक, intensity शिद्दत को, means ज़राए करने के लिए। So student, आज ये हमारा chapter complete हो गया है। अब आप इसे read करें, इसमें से dictation word याद करेंगे और नीचे दिए हुए card fill करें। Thank you, Allah Hafiz.